छीनने पर दो चीजें की, आके आपका वोट छीना, फिर 5 साल बाद आके माफी मांगी। माफी क्यों मांगते हैं? कुछ कर नहीं पाते, करना नहीं चाहते। दूसरी जमात है जिसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। हम इकतदा में 4 साल रहे, लेकिन जो पीडीपी झुकने वाली, और सियासतदान इंसानी होते हैं, है कि नहीं? इंसान से भी गलती होती है। अगर अल्लाह ताला गलती माफ कर सकता है तो आप लोग भी हमें माफ कर सकते हैं। हमसे जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। बशीर मीर साहब के साथ भी जो भी हमने थोड़ी बहुत जाती की, अगर कुछ गलत किया, उनसे भी मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन आज ये वक्त नहीं है गिले शिकवे करने का, शिकायतें रखने का, क्योंकि हम एक बहुत अहम पड़ाव पे है। ये असेंबली इलेक्शन इंतखाब 10 साल बाद हो रहा है। आपको अपना नुमाइंदा सोच समझ के चुनना है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपकी आपकी इज्जत की हिफाजत हम करेंगे, बशीर मीर साहब करेंगे। जो यहाँ दूसरी जमात के बड़े लीडर यहाँ से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो ना कभी अपना दरवाजा खोलेंगे और उनका दिल भी आपके लिए कभी नहीं खुलेगा। बशीर मीर साहब नेक है, ईमानदार है, लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं। मैंने देखा है ये हर एक बंदे जो आपकी खातिरदारी करेंगे, जो आपकी खिदमत करेंगे। अगर कोई नुमाइंदा है जो आपकी अच्छी तरह से खिदमत करेगा, वो इसलिए मुझे यकीन है मेरे भाई बहन, मेरे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, यहाँ जो वोट डालेंगी वो इंशाल्लाह कलम नवाज को ही चुनेंगी। जीत हमारी, इंशाल्लाह जीत हमारी, इंशाल्लाह दुश्मन हारी, इंशाल्लाह दुश्मन हारी, इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ आए, हमारा इतना प्यार से मुस्तकबिल किया, ये इस्तकबाल किया, उसके लिए शुक्रिया। मेरा गला भी बैठ गया। मैं एक बार बोले फिर से जूनो जूनो सुन के मेरे कान से खून निकल रहा है। सब जगह जाती हूँ वहाँ लोग कहते हैं जूनो जूनो।